Okay, shall we do this? Go. 64, first one. 64 power minus 2 by 3. So the 64, देखो सबसे पहले जो पार है उसका डिनोमिनेटर चेक कर लेना क्या है. डिनोमिनेटर 3 है ना, माइनस 2 बाई 3 है देखो, है ना. तो 64 जो ये किसका क्यूब है वो चेक करना है. 64 दी क्यूब ऑफ विच नंबर, कैन यू से दैट. Sixty-four is the cube of four. So we have to write this one as 4 cube into -2/3. ठीक है, उसमें क्या होगा, ये पार में जो है, हाँ अभी आ रहा है. Yes. So ये 3 और ये 3 ये कैंसिल हो जाएगा. So 4 power -2, माइनस टू पार से हटाएंगे तो ये 1/4 square होगा, विच इज इक्वल टू 1/16. तो ऐसा इसका आंसर हमें मिलेगा, राइट. और सेकेंड प्रॉब्लम जो है उसको हम सॉल्व करते हैं. 3 cube into 243 जो है उसको हम क्यूबिक नंबर, उसको क्योंकि इसके पार में माइनस 2/3 है, तो 243 इज द क्यूब ऑफ विच नंबर वी हैव टू चेक. 243 इज द क्यूब ऑफ विच नंबर. टू फोर्टी थ्री क्यूब है क्या किसी का, चेक करना. किसी का क्यूब नहीं है वो. फाइव क्यूब 125, सिक्स क्यूब 216, सेवन क्यूब जो है वो, सेवन क्यूब क्या है, 343 है. अगर 243 लिया तो ये 3 power 5 है. 243 इज 3 power 5. So 3 power 5 into -2/3 into 9 power -9 जो है वो 3 का स्क्वायर है. सो उसको हम 3 स्क्वायर ही लिखेंगे. 3 square into -1/3. ओके, तो अभी ये सब कुछ जो है 3 का पावर में कन्वर्ट हो गया, राइट. तो 3 power -10/3 -10/3 -2/3 -2/3. ओके, राइट. तो उसमें मिस्टेक नहीं है, यही क्वेश्चन राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सॉल्व कर सकते हैं इसको. सो सबको by 3 देखेंगे हम. तो ये जो होगा 9/3 होगा, 3 is 9/3. ओके, सो 9 - 10 - 2 / 3 ऐसे होएगा वो. ओके, विच इज इक्वल टू 3 - 3 power -3/3 which is equal to 3 power -1 which is equal to 1/3. So this is the answer. Okay. Now the third problem is 7 power 0 into 25 power -3/2 - 5 power -3. So 7 power 0 is 1. 1 into 25 power -3/2, that is 5 square into -3/2 minus 5 power minus 3.
ओके राइट. सो नाउ दिस इज दिस टू विल गेट कैंसल इन पावर. सो इट इज 5 पावर -3 -5 पावर -3. सो बोथ आर सेम देन द डिफरेंस विल बी 0. सो द आंसर इज 0. ओके राइट. एंड द फोर्थ वन इज x^0 - y^0 / x^0. सो x^0 इज 1 माइनस y पार 0 इज 1 बाई डिनोमिनेटर इज ऑल्सो 1. Therefore, it is 0/1. So it is 0. Okay? Okay? Numerator में 0 आ गया तो 0. और denominator में 0 आ गया तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो इम्पॉसिबल बोलना, इन्फिनिटी बोलना. ओके नॉट डिफाइंड बोलना. गुड. ओके फिफ्थ सम 32 पावर -2/5 इज डिवाइडेड बाई 216 पावर -2/3. सो 32 इज 2 पावर 5 इंटू -2/5 डिवाइडेड बाई 6³ × -2/3. ओके राइट. सो नेक्स्ट वी हैव फॉर दिस इज इक्वल टू इट इज 2 पावर -2 डिवाइडेड बाई 6 पावर -2. ओके सो 2 पावर -2 डिवाइडेड बाई 6 जो है इसको 2 × 3 लिखेंगे. सो 2 पावर -2 × 3 पावर -2. सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 पावर -2 सेम है तो कैंसिल हो जाएगा पूरा ही. तो यहाँ पे बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर -2. ओके अभी इसका कैसे हम इसको लिखेंगे 1/3 पावर -2 इज 3² ऊपर चले जाएगा पॉजिटिव हो जाए विच इज इक्वल टू 9. ओके तो ऐसे सब हम कोई भी मेथड से कर सकते हैं. थोड़ा स्टेप चेंज हो सकता है आंसर जो है हमारा ये आएगा राइट. और क्या आंसर आता है चेक करना राइट.